सिटीजनशिप वहीं का तो नहीं करा लिए, वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं डलवा दिए। होता है ना, ये ऐसा होता है, कोई कहीं रहने लगता है तो वहीं का हो जाता है। ठीक है, सह सह का अर्थ है मथुरा निवासी, श्याम सुंदर मथुरा में निवास कर रहे हैं तो अपने जन्मभूमि की याद करते हैं। जन्मभूमि मतलब नंद बाबा का घर, और नंद बाबा के अनेक घरों की याद करते हैं। अथवा गेहन सबसे तत्पर है कि अपने पिता का घर और इसके साथ साथ और भी जो कृष्ण का गेह है ब्रज में, कुंजे हैं जिन कुंजों में वे निवास किए हैं, और हम लोगों के साथ केली किए हैं इसको नहीं कह पा रहे हैं। कुंज की याद करते हैं क्या, या गिरिराज जी की गुफाओं में भी वे रहे हैं तो वे गुफाएं याद आती हैं उनको। और यदि नंद बाबा की याद करेंगे, नंद बाबा के घर की याद करेंगे तो और सब ब्रजवासियों की याद अपने आप हो ही जाएगी। फिर भी स्पेशल पूछती हैं, सौ में बंधुश्च गोपाल, अपने बंधुओं की कभी याद करते हैं? यहाँ बंधु शब्द से तात्पर्य है ब्रजवासी गोप, नंदगांव के गोप, बरसाने के गोप, या महाबन के गोप, काम्यवन के गोप। गोपान अलग रहे, बंधुश्च अपने बंधुओं की क्या याद करते हैं, जैसे उपनंद महाराज हैं इत्यादि। नंद बाबा के भाई थे उपनंद महाराज, तो उनकी याद करते हैं क्या? और गोपान, गोपों की याद, गोपों के साथ वे गाय चराए हैं इस पूरे ब्रजमंडल में, तो उन गोपों की सखाओं की याद करते हैं। श्रीदान, सुबल, मधुमंगल आदि गोपों की याद करते हैं। अब अंतिम प्रश्न कर रही हैं, तीन प्रश्न हैं, चार प्रश्न हैं, तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। क्वचिदपि सब कथा न किम क्रीणन गृणीत, भ्रमर तुम सत्य सत्य बोलना। कभी मथुरा के स्त्रियों के बीच में बैठते हैं, अरे वो कभी बैठे ही नहीं लेकिन ये कल्पना है, कभी मथुरा के स्त्रियों के बीच बैठते हैं तो क्या कभी हम लोगों की कभी चर्चा अपने मुख से किए हैं? जरूर किए होंगे, राधा रानी को विश्वास है, क्योंकि हम लोग जो सेवा करते हैं कृष्ण की हैं, वैसी सेवा मथुरा की स्त्रियाँ क्या करेंगी, उनको कोई लूर सहूर है ही नहीं। इनके कहने का आशय ये है, हम जानते हैं, हम सखियाँ जानते हैं कि श्री कृष्ण किस बात से प्रसन्न होते हैं, हम लोग उनके लिए माला गुम्फन करते हैं, माला बनाती हैं, बनाती थी जब यहाँ थे, तो उन मालाओं को श्याम सुंदर बहुत पसंद करते थे और हमेशा सराहना करते थे, संसार में कोई स्त्री ऐसी माला नहीं बना सकती है जैसे तुम बना रही हो, गोपियाँ बनाती थी। तो कभी माला पहनते समय क्या कभी हम लोगों को याद करते हैं कि इससे कोटि गुना सुंदर माला और राधिका पहनाती थी, चाहे ललिता पहनाती थी? समाज में तो चर्चा नहीं करते होंगे, लेकिन स्त्रियों के समाज में आप तो उनके मित्र हैं, साथ रहते हैं, उद्धव जी को ही सुना करके कह रहे हैं। तो भौरा तुम बताओ, क्या कभी श्री कृष्ण हम लोगों की याद करते हैं किंकरी के रूप में, दासी के रूप में? हम उनकी दासियां हैं, बहुत सेवा की है, तो माला पहनते समय या वीणा बजाते समय, जब वहाँ की स्त्रियाँ वीणा बजाती हैं तो जरूर श्री कृष्ण कहे होंगे ये बंद करो, क्या बजा रही, जरूर कहे होंगे। राधा रानी का विश्वास ये है, जब वीणा बजाती होगी तो वे कहते होंगे वीणा जो गोपी जन बजाती हैं ऐसा नहीं। अब कभी हमारा नाम रखे हैं,
वहाँ राधा नाम की गोपी हमारी बहुत सेवा की है कि बिल्कुल चर्चा ही नहीं करते हैं, अपी शब्द से ध्वनित है, कभी चर्चा किए हैं क्या या नहीं किए हैं। ये जब मथुरा की स्त्रियाँ नाचती होंगी गाती होंगी तो उस समय क्या हम लोगों की याद किए होंगे, करते होंगे, अवश्य याद करते होंगे कि ब्रज की गोपियाँ जितना अच्छा गाती हैं और जितना अच्छा नृत्य करती हैं वैसे यहाँ कोई नहीं गाए हैं। अर्थ उन स्त्रियों से नहीं, मान लीजिए उन स्त्रियों की निंदा होगी ना, अगर उनके सामने कहें कि ब्रज की गोपियाँ अच्छा गाती है तो उन स्त्रियों से नहीं, लेकिन आप तो मित्र हैं, आपसे कभी उनके विषय में बोले होंगे हम लोगों विषय में कि अरे बेकार गा रही हैं मथुरा की स्त्रियाँ, ब्रज की गोपियाँ ही बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी सेवा करती हैं, चामर डुलाना और फिर वीणा बजाना, कुछ वाद्य बजाना, तो जितनी गोपियाँ अच्छा करती हैं मथुरा की स्त्रियाँ नहीं कर पाती हमें, तो क्या कभी वे आपसे बातचीत किए हैं कि ये तो गोपियाँ परम सुंदरी हैं और ये तो बेकार हैं मथुरा की स्त्री। राधा रानी कोई भाव हो रहा है कि वास्तव में वे वहाँ सुखी नहीं होंगे, किसी तरह से उनको वसुदेव जी ने फंसा करके रखा है अपना बेटा बना करके, लेकिन सुखी नहीं होंगे और आने भी नहीं दे रहे जादव लोग, अगर उनको थोड़ी भी फुर्सत मिलेगी तो भाग करके आ जाएंगे, लेकिन वो लोग बांध करके रखे होंगे। तो ठीक है, कभी आपसे एकांत में अवसर मिलने पर, भोजन परोसने पर, कभी श्री कृष्ण हम लोगों की याद करते हैं। अच्छा ये बताइए कि उनको मथुरा में माखन मिलता है कि नहीं, और भी बताइए कभी एकांत में किसी वट वृक्ष के नीचे जमुना जी के किनारे जा करके बांसुरी भी बजाते हैं? हमारे प्रियतम को बहुत दुख मिलता होगा उनको बांसुरी बजाने को नहीं मिलता होगा, मथुरा में तो सब पॉलिटिशियन घेरे होंगे उनको, नेता लोग सब बड़े बड़े जादव, तो वे क्या वहाँ गाएंगे। यहाँ वृंदावन में थे तो एकांत वन में वट वृक्ष जहाँ तहाँ गाया करते थे, और कभी उनको वहाँ नाचने को नहीं मिला होगा। तो राधा रानी समाचार पूछ रहे हैं तो बहुत दुख में पूछ रहे हैं, क्या कभी अपने पिता का, पिता के घर का, माँ का, भाइयों का, चाचा का या ताऊ का या अपने सखाओं का स्मरण करते हैं, और कभी हम दासियों की चर्चा करते हैं क्या अपने श्रीमुख से। और अंतिम प्रश्न है, क्या वे यहाँ आएंगे या आने को कहे हैं? बहुत उत्कंठा हो रही कि कब आने को कहे हैं, किस दिन आएंगे, और आकर के अपनी भुजा को, अपने बाह को जिसमें अगुरु की सुगंध है, इसको आकर के हमारे सिर पर कभी रखेंगे, हमारे सिर पर अपने चंद्रमा के समान रखेंगे। वैसे पूछना चाहिए था ये कि क्या हमारे कंठ में अपनी वो सुंदर भुजा देंगे, हमको गलवाही देंगे, ये पूछना चाहते हैं वास्तव, लेकिन दैन्य बस श्याम सुंदर अपनी बाम भुजा को श्री राधा रानी के कंठ में डालते थे, गलवाही देते थे हमेशा। तो राधा रानी यही कहना चाहते, पूछी क्या कभी वे रासलीला की याद किए हैं? हमें गोपियों के
कंठ में अपनी भुजा डालकर और हमारे साथ नृत्य किए थे, तो कभी रास लीला की याद आती है क्या उनको? कभी चर्चा किए हैं? यह अंतिम प्रश्न है। इसका अर्थ है कि कभी आएंगे और हमारे साथ रासलीला रचेंगे और भी लीलाएं उपलक्षण से समझ ली जाती हैं। बिल्कुल अनुकूल भाव हो गया है। उधकह सुध सने स पहिले तो यह उधकह सुध प्यारे पर देश ते कबैधों पग पारी हैं। प्यारे पर देश ते कब कहे रात न करती हरी परी बात न में कहे रात न करती हम कबल करे जो मन मारी है पाती छाती कबलों सी रही है हाय लाई लाई पाती छाती धरी धरी ध्यान धीर कबल धरी 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 ध्यान धीर कबल धरी बननी उचारी है उरा न कबैधो सब बननी से श्याम को सलो न रूप नननी निहारी है श्याम को सलो श्री गोपीजन कहती हैं उधो कहो सुधो सो। पहले सीधा ये संदेश कही है, पहले यह बताइए संदेश माने संदेश, पहले ये बताइए हमारे प्रियतम प्यारे परदेश ते कबौध कबैधों पग पारी है कब आएंगे, पहले ये बताइए। परदेश से मथुरा से श्याम सुंदर पहले ब्रज में कब पग पारी हैं, पग पारने का मतलब पग रखेंगे, कब आएंगे। कहे रत्नाकर तिहारी परी बातन में आपकी बात में पढ़ करके श्री कृष्ण आएंगे आएंगे डेट नहीं बता रहे हैं, तो आपकी बात में पढ़ करके हम कबलों मिली हम कबलों करेजो मन मारे, हम अपने करेजा को मल करके कब तक मन मार करके रहेंगे। रतन लाई लाई पाती छाती कबलों से रहे हैं, ये जो पत्र लाए हैं तो पत्र को अपने छाती में लगा करके कब तक हमारे हृदय ठंडा होगा धीर रखेगा। लाई लाई पाती छाती कबलों से रहे हैं हम कब तक शीतल होंगे, और धरी धरी ध्यान धीर कब लगी धारी है धारी हैं। और कब ध्यान करने की बात करें तो कृष्ण का हम ध्यान करके कब तक धैर्य रखेंगे, कब वह दिन आएगा जिस दिन हम कृष्ण को उल्लाहना देंगे। जब आएंगे तो हम उनसे मान करके बैठेंगे कि अब क्यों इतना दिन रह गए मथुरा क्यों नहीं आए। बैननी उचारी हैं उराहनों कबैधों सब, हम अपने बैननी बैन से वचन से
उच्चारण करेंगे, उलाहना देंगे उनको, क्यों इतना देर किए, मैं नहीं बोलूंगी, या इस तरह से कह करके मैं रहूंगी। और श्याम को सलोना रूप नैना ने निहारी है, श्याम सुंदर का सलोना परम सुंदर रूप हम कब आंख से देखेंगे, पहले ये सब बताइए। उधो कहो सुधो सो सने से पहिले तो यह, उधो कहो प्यारे पार देश ते का बधों पाग पारी है, प्यारे पार देश ते का बधों कह रतन करती हरी परी बातन ने, कह रतन मिली हम कबलों करे जो मन मारी है, लाई लाई पाती छाती कबलों सिरई है हाय, लाई लाई पाती ध्यान धीर कबल लगी धारी है, बननी उचारी है उराहन को भदो के, उचारी है उराहन को भदो सब, श्याम को सलोन रूप नैननी निहारी है, श्याम को सलोन रूप नैननी निहारी है, श्याम को सलोन रूप नैननी निहारी है, और पूछ रहे हैं कि वो तो षटरस व्यंजन छह प्रकार के स्वाद वाले तरकारी तो बहुत खाते होंगे मथुरा में, क्या नवनीत उनको मिलता है, ताजा माखन मिलता है मथुरा में? और द्वारकाधीश कह करके, जादव नरेश कह करके सब लोग उनकी प्रशंसा करते होंगे, गुण गाते होंगे, लेकिन माँ यशोदा की तरह या ब्रजवासियों की तरह उनसे कोई सच्चा प्यार करता है, प्रेम करता है? रतन सिंहासन विराजी पाक शासन अलम, हम तो जानते हैं वे रत्न सिंहासन पर बैठते होंगे मथुरा में, और शासन तो उनका इंद्र तक चलता होगा, स्वर्ग तक, पाक शासन मतलब इंद्र। पाक नाम का एक राक्षस हुआ था, उसको इंद्र ने मारा था, तो पाक बैरी या पाक शासन कहते हैं इंद्रदेव। तो रतन सिंहासन विराजी पाक शासन अलम, इंद्र जैसा वे सिंहासन पर बैठते होंगे या स्वर्ग तक उनका शासन होगा। जगत चहु पासनी तो शासन चलावे हैं, संसार में शासन चला रहे हैं, राजा बन गए हैं, पर क्या वे कभी जमुना जी के तट पर जा करके किसी बट वृक्ष की छाह में, जाई जमुना तट पे को बट छाही माही, बांसुरी उमाही कबो बांसुरी बजावे हैं। बांसुरी छाती को कहते हैं, छाती फुला करके और कभी बांसुरी बजाए, बांसुरी बजाने में छाती फूलती है, बहुत अच्छा प्राणायाम होता है।
सटरा सा व्यंजन तो रंजन सदाही करें सटरा सा व्यंजन उधो नवनीत हूँ सो प्रीत कहूँ पावे उनको मथुरा में सप्रीत प्रीति के साथ प्रेम के साथ कोई माखन देता होगा उनको सब्जी तो बहुत खाते होंगे भुंजिया सुंजिया क्या क्या कई प्रकार के शहरों में लोग खा लेते हैं इसे लेकिन दही और माखन मिलता नहीं है तो सटरा सा व्यंजन तो रंजन सदा ही करे सटरा सा व्यंजन उधो नवनीत हूँ सप्रीत कहूँ पावे हैं उधो नवनीत हूँ सप्रीत कहूँ कह रत न कर बीरद तो बखने सब सब लोग द्वारकाधीश की जय जय करते होंगे लेकिन कोई कोई प्रेम से उनको गोदी में नहीं लिया होगा चूमा नहीं होगा कोई इतना प्रेम नहीं किया होगा जय जयकार तो सब कर रहे होंगे लेकिन वो हृदय शून्य जय जयकार उसमें कोई प्रेम नहीं कुछ नहीं कह रत न कर बीरद तो बखने सब कह रत न कर साची कहो केते कही लाला न लड़ावे को लाला कह करके उनसे प्यार नहीं किया होगा प्रेम नहीं किया होगा स्नेह नहीं किया होगा केते करते कितने लोग ऐसा करते हैं जरा बोलो ना उद्धव जी से कहते हैं अब बताइए कि कितने लोग उनको लाला कह करके प्रेम करते हैं कोई नहीं रतन सिंहासन बीराजी पाक शासन रतन सिंहासन जग चाहू पासनी तो शासन चलावे जाई जमुना तट पर को बट छही माही जाई जमुना तट पर को बट छही माही बाँसुरी ओ माही कब बाँसुरी बजावे है बाँसुरी ओ माही कब बाँसुरी जाई जमुना तट पर को बट छही माही जाई जमुना तट बाँसुरी ओ माही कब बाँसुरी बजावे है बाँसुरी ओ माही कब बाँसुरी ये गोपियाँ पूछ रही हैं सबसे पहले कि ये बताइए कि बांसुरी बजाते हैं कि नहीं उनको बांसुरी बजाने की फुर्सत भी नहीं होगी और लोग घेरे रहते होंगे बड़े बड़े मिनिस्टर लोग
मथुरा में बड़ा दुख में श्याम सुंदर होंगे वहां। समाचार पूछने का यही मतलब है। कह रही हैं श्री कृष्ण से विनय कर रही हैं उद्धव जी से बातचीत करते करते और साक्षात स्फुल्ला हो रही कि श्री कृष्ण हमारे सामने हैं, तो उनसे डायरेक्ट कह रही हैं फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ। गोपीजन रो रो करके श्री कृष्ण से कह रही हैं कि हे गोकुलनाथ, हे वृंदावन नाथ, आप फिर से ब्रज में आ जाइए और यहीं रहिए। तो सूरदास जी का यह पद है अद्भुत ढंग से व्यक्त कर रही है। फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ, फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ, फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ, फिर ब्रज हे गोकुल अर्थात ब्रज के नाथ स्वामी, आप फिर आइए और ब्रज में रहिए, ब्रज में बसिए। अब हम आपको सवेरे जगा करके गाय चराने के लिए नहीं भेजेंगे। हमने आपसे गाय चरवाया है, बहुत अपराध किया, अब हम आपसे गाय चराने के लिए कभी नहीं कहेंगे। फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ, फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ, बहुरी न तुम ही जगाय पठवो तुम, बहुरी न तुम ही जगाय पठवो, बहुरी न तुम ही गोधनन के साथ, फिर ब्रज गोधनन के साथ, फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ, फिर ब्रज। गोधन कहते हैं, गौ में बहुत बड़ा धन है इसलिए गोधन कहा जाता है प्रायः। तो हम आपको सवेरे जगा करके गौओं के साथ वन में नहीं भेजेंगे। एक प्रकार से याद भी दिलाई रहे कि आप जरा उस सुख की याद कीजिए, कितना आपको सुख मिलता था गो चराने में, तो उसके लिए भी आ जाइए। ये एक प्रकार से निमंत्रण है, लेकिन उसको गलती के रूप में कह रहे हैं कि अब हम गाय चराने के लिए नहीं भेजेंगे। शायद गाय चराने के डर से ही आप मथुरा से नहीं आ रहे हैं कि फिर गाय चराने के लिए भेजेंगे। और अब आपको माखन खाते समय हम कभी नहीं रोकेंगे। बर जाओ न माखन खात कब हूँ, बर जाओ न माखन दही हों दे न लुटाय, दही हों दे न लुटाय। अब आप कितना माखन खाएंगे हमारे घरों में आकर के, हम कभी नहीं रोकेंगे, बल्कि खाएं जितना खाना हो खाइए, और बानरों को अपने सखाओं को जितना लुटाना हो लुटाइए, हम लुटाने से मना नहीं करेंगे। बर जाओ न माखन खात कब हूँ, बर जाओ न माखन खात कब हूँ, दही हों दे न लुटाय, दही हों दे। कभी भी माता जसोदा के पास जा करके उलाहना नहीं देंगे, आपकी शिकायत नहीं करेंगे।
कबहुन दैह उराहन कबहुन उराहन जसुमति के आगे जाय के आगे जाय फिर ब्रज बसहुँ गोकुलनाथ फिर ब्रज बसहुँ गोकुलनाथ। ये सब लीलाओं की याद करा रही हैं श्री गोपीजन। अब कभी भी मैया यशोदा के सामने आपके विषय में कोई उलाहना नहीं देंगी हम लोग। और जब जैसे उस समय माँ यशोदा आपको बांध रही थी उखल में, तो हम लोगों से कही कि तुम भी रस्सी लाओ, तो हम लोग रस्सी ला ला करके दे रही थी, लेकिन अब रस्सी नहीं देंगी कभी। शायद प्रियतम श्याम सुंदर इसी की याद करके रंज हुए हैं कि ये लोग रस्सी ला ला करके दे रही थी मेरी माँ को बांधने के लिए। इन लोक का जो अनुभव, इसको सूरदास जी ऐसे व्यक्त कर रहे हैं, वास्तव में याद दिला रही हैं कि फिर से आप उखल में बांधे जाएंगे, आप आइए जरूर। आप इसको बहुत पसंद करते थे। दौरी का अर्थ दौड़ करके, दाम माने रस्सी, न देऊंगी और न तो जसुमती के हाथ में छड़ी ला करके देंगी। गोपी ने छड़ी भी दिया था डरपाने के लिए, कृष्ण मारने के लिए नहीं, तो लकुटी भी जसुमती के पानी हाथ में नहीं दूंगी। दौरी न दामन देहूंगी लकुटी न जसुमती पान फिर ब्रज बसहुँ गोकुलना। दौरी दामन देऊंगी लकुटी न जसुमती पान चोरी न देऊ घर किए अवगुणन कहियाँ जब मैया आपको अब कभी बांधेगी तो हम दौड़ दौड़ करके रस्सी नहीं देंगे उसको, और न तो माता यशोदा के हाथ में हम कोई छड़ी देंगी। और आप कुछ भी चोरी करेंगे, चोरी को हम उघाड़ेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। ये लोग जा करके माता यशोदा के सामने शिकायत करती थी कृष्ण की कि चोरी किया, ये किया, बर्तन फोड़ा, बच्चों को रुलाया। तो अब चोरी हम लोग उघाड़ेंगे नहीं, जितना चोरी करना हो आप कीजिए, किए अवगुण न कहीं हम आन, और कोई भी आपका अवगुण हम कहेंगे नहीं। ये हमारे चीख चुराया, हमको गाली दिया, हमको भाभी कहा, ये कहा, ये कहा, कोई भी हम शिकायत आपकी नहीं करें, कहीं हम अवगुण आन, और कोई अवगुण हम कहेंगे नहीं। और अंत में श्री राधा रानी कहती हैं, करी हूँ न तुम सो मान हठ, करी हूँ न तुम सो मान हठ, हठि हूँ न मांगत दान। हे प्रियतम, मैं आपसे कभी मान नहीं करूँगी। शायद इसी की याद करके मथुरा में हमारे प्रियतम रह गए कि मैं बहुत ज़्यादा रुस्ती रहती थी, मान करती थी, तो उनको मनाने में परिश्रम पड़ता था। इतौश्रम तब ना ही न तब हूँ भयो, ये बहुत परिश्रम फील करते थे। कहते थे ना कि इतना परिश्रम हमको किसी काम में नहीं हुआ, मैं मत्स्य अवतार लिया, बराह अवतार धारण करके पृथ्वी को उठाया, लेकिन उसमें भी आनंद था, खेल खेल में उठा, लेकिन तुमको मनाने में बहुत परिश्रम होता है। राधा रानी से कहते कई
लीला कहे हैं कि इसमें परिश्रम नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ। समुद्र मथा जा रहा था, मैं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपने पीठ पर उठाया, लेकिन उसमें भी इतना मेहनत नहीं पड़ा जितना तुमको मनाने में मेहनत पड़ता है। कभी कभी भगवान रो देते थे, राधा रानी नहीं मानती थी, चरण में गिरते थे और रो देते थे, तब भी नहीं मानती थी। उसके बाद ललिता जी समझाने लगती थी कि तुमको क्या हो गया है, इतने प्रियतम प्रेमी हैं और फिर भी तुम इस तरह से भाव तने नहीं रहती हो, भाव को ताने रहती हो, फिर भी नहीं मानती थी। तो शायद राधा रानी को यही भाव हो रहा है कि मेरे मान को याद करके भी प्रियतम श्याम सुंदर नहीं आते होंगे, तो ये कह रहे हैं। करी हूँ न तुम सो मान हठ, करी हूँ न तुम सो मान हठ, मैं हठ पूर्वक आपसे मान नहीं करूँगा। या तो उद्धव जी से संदेश भेज रही हैं या मन में स्फुरित भगवान से कह रहे हैं, संदेश भेजना ज़्यादा अच्छा है। ये उनको संदेश दे रहे हैं कि कहना कि हे गोकुलनाथ, आप ब्रज में रहिए, कहीं मत जाइए, अब हम लोग आपको नहीं सताएंगे। तो राधा रानी कहती हैं करी हो न तुम सो मान हट, अब मैं मान नहीं करूंगी और कदाचित करूंगी भी तो हट नहीं करूंगी, अब एक बार मनाएंगे मान जाऊंगी। और हठिय न दान मांगत दान, और जब आप दान घाटी में या सांकरी खोर में हमसे दही का दान मांगेंगे, गोरस का दान मांगेंगे, तो मैं हठ नहीं करूँगी, नहीं देने का हठ नहीं करूँगी, एक बार मांगेंगे दे दूँगी, बल्कि बिना मांगे हम लोग आपको दिया करेंगे। कितना सुंदर पद है, लेकिन हमको तो गाने आता नहीं। करी हूँ न तुम सो मान हठ, हठी हूँ न मांगत दान। मैं पूरा गा दिया। करी हूँ न तुम सो मान हठ, हठी हूँ न मांगत दान। मेरे पूरा कर लेने के बाद गाइए। करी हूँ न तुम सो मान हठ, हठी हूँ न मांगत दान। कही हूँ न मृदु मुरली बजावन, करन तुम सो गान। और ये भी भावना है कि श्याम सुंदर को मुरली बजाने में बहुत परिश्रम पड़ा वृंदावन में, क्योंकि बांसुरी बजाने के लिए उनको तीन जगह से टेढ़ा होना पड़ता था, इस तरह खड़ा होना पड़ता। ये लीला की याद करा रहे हैं, त्रिभंग ललित मुद्रा में श्याम सुंदर खड़े होते थे, तीन जगह टेढ़ा, एक तो गर्दन टेढ़ा करके बांसुरी बजाते थे, बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बाएं कंधे के तरफ बाया कपोल करते थे वे, गर्दन टेढ़ा और कमर टेढ़ी करके खड़े होते थे, और पैर टेढ़ा, दाहिना पैर बाएं, बाया पैर दाहिने। तो गोपीजन ये भाना करें प्रियतम को बांसुरी बजाने में बहुत परिश्रम पड़ा वृंदावन में, टेढ़ा खड़ा होना पड़ता था। ये तो आनंद है श्याम सुंदर का, बांके बिहारी का, वो खड़े इसी तरह से होते हैं, लेकिन गोपियाँ ऐसी भावना कर रही हैं कि उनको बड़ा परिश्रम पड़ा, और जब बांसुरी बजाने की याद आती होगी तो इसी डर से नहीं आ रहे होंगे, ब्रज में वृंदावन में बांसुरी बजाना पड़ेगा, अब कौन जाए, इतना परिश्रम करे। तो गोपीजन कहती हैं कि कहीं हूँ न मृदु मुरली बजावन, अब आपसे हम कभी मुरली बजाने के लिए नहीं कहेंगे।
करण तुम सो गान, और गान कला गान में भी मेहनत पड़ता था, गीत गाने में, आलाप लेने में। तो आपसे हम कभी गान करने के लिए नहीं कहेंगे, आराम से आइए रहिए यहाँ, अपना बांसुरी बजाइए, न किसी को मनाइए, चोरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपकी अवगुण को नहीं कहेंगे। इसका अर्थ है कि इन सब लीलाओं की याद करा रही हैं गोपियाँ, जिसे अवश्य कृष्ण आज ही भाग करके आ जाएंगे। कही हूँ न चरणन देन जावक गुहन बेनी फूल, हम आपसे कभी अपने चरण में महावर लगाने के लिए नहीं कहेंगे। श्रीमती राधा रानी के चरणों में भगवान मेहंदी लगाते थे, उसको महावर कहते हैं। तो अब आपसे कभी चरण में महावर लगाने के लिए नहीं कहूंगी, और आपसे मैं कभी नहीं कहूंगी कि हमारा हमारे बेणी में हमारे चोटी में फूल गुथी है। श्याम सुंदर इस लीला में बहुत आनंदित होते थे और इस लीला की याद करा रही हैं राधा रानी। कही हूँ न चरणन देन जावक गुहन बेनी फूल, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि मेरे केस को बेनी बनाइए और इसमें फूल खोसिए। इसमें कोई श्याम सुंदर को परिश्रम पड़ा होता तब तो नहीं बात हो, तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद लेते थे। तो ये इस लीला की याद कराई जा रही है। और कही हूँ न करन सिंगार बट तर बसन जमुना कूल, और श्रृंगार बट में मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी कि मेरा सुलह श्रृंगार करो। वृंदावन में एक श्रृंगार बट है राधा दामोदर मंदिर के पास ही है, वहाँ पर श्याम सुंदर प्रिया जी का श्रृंगार किया करते थे, माला पहनाना, बेणी गुथना, चरणों में महावर देना और सब। चरणों में महावर देना तो एक अलग चीज़ है, श्रृंगार नहीं है। तो मैं आपसे अपना श्रृंगार करने के लिए कभी नहीं कहूँगी। कही हूँ न करन श्रृंगार बट तर, बट के नीचे, श्रृंगार बट के नीचे, मैं आपसे अपना श्रृंगार करने के लिए नहीं कहूँगी। बसन जमुना कुल, और श्री कृष्ण को मैं नहीं कहूँगी, आपसे एक नहीं कहूँगी कि आप जमुना के तट पर बैठिए, क्योंकि गोपी जनों को यही अवसर होता था जब गांव में चले जाते थे, ब्रज जिसको कहते हैं गांव में, तो वहां पर तो घर के लोग सब भरे रहते थे, समाज के लोग, कई निंदक,